तो साथियों, एक हम बड़ी खबर आपके बीच में लेकर आए हैं। हम एक ऐसी खबर आपके बीच में लाए हैं शराब की। एक शराब एक ऐसी चीज़ है, कई लोगों की मजबूरी है, कई लोगों की परेशानी है और कई लोग ऐसे गलत काम भी कहते हैं। लेकिन जब हमने नज़दीकी जब इस बात पे हमने जब जो मजदूर वर्ग के लोगों से हमने जब जानकारी ली कि वो आखिर शराब क्यों पीते हैं, शराब को उन्हें छोड़ना चाहिए क्योंकि शराब पीने से शरीर भी नुकसान होता है और परेशानी में भी हम जाते हैं। शराब एक ऐसी चीज़ है जो परिवार को बर्बाद भी करता है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ गरीब मजदूर वर्ग के नागरिक खड़े हैं। इनका कहना है कि हम मजदूरी करते हैं और शराब पीना इनकी इनका कोई शौक नहीं है, लेकिन इनका जो शरीर है वह एक दवाई के रूप में ही वह काम करता है जिसके कारण वह शराब पीते हैं। तो अब सीधा आपको सीधी जानकारी हम आपको इनसे जानकारी लेते हैं कि सीधी जानकारी हम लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हल्के। जोर से बोलो थोड़े। हल्के। हल्के नाम है। हल्के भैया आप बताएं कि शराब क्यों पीते हैं आप? आदत सी बन गई, लग गई भाभी। लग लग गई है। हाँ। तो आप मजदूर हैं? मजदूर है, मजदूर। कई कई बार से आप लोगों की जो मित्र पांच लोग खड़े हो, आप मित्र लोग हो, अगर अपन पांचों की अगर मिला लिया जाए तो कितना पैसा खर्च हो जाता है? पांचों में तो 100 की पीजिए तो 500 हो जाए। 500 हो जाते हैं। और अगर 200 की पियो तो 1000 हो जाए। निश्चित डेली 1000 रुपये का खर्चा है। खर्चा है तो आप समझ सकते हैं 1000 रुपये डेली इनका खर्चा है। और 1000 की अगर हिसाब ले तो कई महीना 31 का होता है तो 31000 होते हैं। और 30000 रुपये महीना इन मजदूरों का, तो मात्र पाँच मजदूरों का। तो हम सीधा इनसे जानते हैं कि आपने सोचा है कि 30000 रुपये जो खर्च हो रहा है, तो कभी परिवार में आपने सोचा है कि आपके बच्चे हैं परिवार में जो ज़रूरतें हैं उनको आप अगर ये पैसा वहाँ दारू बंद करके खर्च करें तो क्या कौन सी बुराई? तो सोच रहा है कि सर जी हमें दारू बंद हो जाए। हाँ, हो ही नहीं पाई, लग लगी है। हाँ। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए मजदूरों के लिए कि ज़्यादा आपको तो काम मिले और कोई चीज़ दे, किसानों दे तो सब दे, तो हमें देते ही नहीं कुछ मजदूरों, न जमीन न ज़्यादा, न बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिले, नहीं मिलता है। हाँ। तो बहुत परेशानी है। परेशानी तो आप बता भैया क्यों पीते हैं? अरे पीने की बात नहीं सर जी, हमें आप भी एक चीज़ बता रहे हैं, हम इसलिए पीते हैं, हम लोग काम करते हैं सीमेंट का। हाँ। तो सीमेंट शरीर में भरा जाता है। हाँ। अगर हम जो दवाई सैनिटाइजर रूप में नहीं लाएं। हाँ। तो हमें सीमेंट नहीं हो रहा, बीमार हो जाएंगे। तो मजबूरी है आपकी? पीते हैं, मतलब 400 कमाते 100 की जरूर पीते हैं, हम तो साहब ने कह रहे हैं। हाँ। सब पीते हैं, एक रे समय माल पीते हैं। मजबूरी है और रेट भी बढ़ाना चाहिए हम लोग गरीबों का, रेट कम है। सही कह रहे हैं, मजदूरी भी बढ़ना चाहिए। 4 रुपया कटती चाहिए हमको। हाँ। 3 दे रहा है जी लोग। हाँ। उसमें से खारा डाला वाला सब आ जाते हैं। अच्छा, तो इनका एक आरोपी है कि इनकी तो मजबूरी है, सीमेंट का काम करते हैं, व्यापारी लोग इनको कम पैसा देते हैं, ऐसा इनका काम है और इनका कहना है। बताएं मंगल भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शराब की लत एक लगी है, आप लोगों का इतना पैसा बर्बाद होता है, वही पैसा अगर परिवार में बच्चों के प्रति खर्च हो तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, कहाँ से जाएगा पैसा? काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। मजबूरी है, मजबूरी है, आप देख सकते हैं मजदूर फकर से कह रहे हैं कि मजबूरी है, हम क्या करें, शराब पीना मजबूरी है क्योंकि हम काम करते हैं तो हमारा शरीर चल नहीं पाता। बताएं भैया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, हम मजदूर आदमी है, बिना दारू से हम काम ही नहीं करें, ना काम नहीं बन पाता है। हाँ, काम नहीं बन पाता। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी ये लत छूटे, कोई बेरोजगारी के लिए कुछ काम, नया काम दे। भैया परेशानी रहती है? हाँ, परेशानी रहती है, हम मजदूरी के काम में बहुत परेशानी है। हाँ, मजदूरी के काम में बहुत परेशानी है, रहता नहीं मिलता, पैसा भी पूरा नहीं मिल रहा है। हाँ, पैसा भी पूरा नहीं मिलता, आधा भी पूरी। बता भैया क्या दारू की लत कैसे आ गई है? क्या सीमेंट की गुम बनती है अंदर, काम करते हैं जो गुम भराती है या कम पकड़ते हैं तो कर वो निकलती है पकड़ने में, सीमेंट निकलता है गले में। हाँ, तो तुम्हारी बहुत मजबूरी है, तो आप देख समझ सकते हैं कि बेचारे इन गरीब मजदूरों की, लोग कहते हैं कि ये शराब पी रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गरीब जो मजदूर हैं इनकी बहुत बड़ी मजबूरी रहती है जिसके लिए ये
शराब का सेवन करते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर एक व्यक्ति अगर दो सौ रुपये की दारू पीता है तो 6,000 रुपये महीने एक ही व्यक्ति की हो जाती है, और इनका एक यूनियन है तो आप लगा सकते हैं कि 1,000 रुपये की दारू ये शराब पी जाते हैं। इनका सीधा कहना है कि सरकार कुछ हमारे लिए ऐसी मजदूरी, ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसा कुछ खुलवा दे जिससे इस तरह के काम उनको ना करना पड़े। तो शराब इनके इनका शौक नहीं, मैं दुनिया को बताना चाह रहा था, प्रदेश के नागरिकों को बताना चाह रहा था, और सांकेला क्षेत्र के का नरसिंहपुर जिला के नागरिकों को बताना चाह रहा था कि ये इनकी शराब पीना, इनकी लोग कहते हैं कि ये शराब खोरी करते हैं और शराब पीते हैं, इनकी शराब पीना इनकी मजबूरी है, ये शौक से शराब नहीं पीते हैं। तो यह मैं आपको खबर बता रहा था, मैं रिपोर्टर बलोचौक से।